नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 7 सितंबर, दिन गुरुवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना का ऐसे उठाए लाभ। शिक्षक भर्ती में 5वीं तक के अभ्यर्थियों के लिए बड़ा अपडेट जारी। तुला के पुनौरा धाम में इन सुविधाओं का हो रहा विकास। इसरो ने चंद्रमा की सतह की 3D इमेज की जारी। भारत पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय श्रृंखला को लेकर राजीव शुक्ला का खुलासा। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। SBI में आर्मर्स और कंट्रोल रूम ऑपरेटर पदों के लिए आवेदन शुरू। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से लिपिक संवर्ग के अंतर्गत आर्मर्स और कंट्रोल रूम ऑपरेटर के कुल 107 पदों पर भर्ती निकाली गई है। ऐसे में इच्छुक उम्मीदवार जो इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं, वह SBI की ऑफिशियल वेबसाइट sbi.co.in पर जाकर ऑनलाइन तरीके से अपना आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि आवेदन करने की अंतिम तारीख 5 अक्टूबर 2023 तक निर्धारित की गई है। वहीं अगर इसके लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इस भर्ती में केवल भूतपूर्व सैनिक, पूर्व CAPF, AR, राज्य अग्निशमन सेवा वाले अभ्यर्थी ही भाग ले सकते हैं। इसमें आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों ने 12वीं या इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो या 12वीं के बराबर आर्म फोर्स स्पेशल सर्टिफिकेट प्राप्त किया हो। इसके अलावा वे अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की हो। जाति गणना से जुड़े मामले की सुनवाई इस दिन तक टली। बीते दिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राज्य सरकार की मांग पर बिहार में जाति गणना से जुड़े मामले पर होने वाली सुनवाई को 3 अक्टूबर तक टाल दी गई है। दरअसल बिहार सरकार की ओर से शीर्ष न्यायालय को बताया गया कि उनके वकील कुछ कारणों की वजह से उपलब्ध नहीं हो सकते, इसलिए सुनवाई को टाल दिया जाए। बता दें कि अब तक बिहार में जातीय गणना का काम पूरा हो चुका है, बस इसकी रिपोर्ट आनी बाकी है। मालूम हो कि जाति गणना पर रोक को लेकर पहले पटना हाई कोर्ट में सुनवाई की गई थी, जहां कोर्ट के द्वारा अहम निर्णय लेते हुए राज्य सरकार को जातीय गणना कराने का निर्देश दे दिया गया था, जिसके बाद पटना हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ याचिकाकर्ता की ओर से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। इसी बीच केंद्र सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने केंद्र का पक्ष पेश करने की अपील की थी। बता दें कि CM नीतीश के द्वारा पहले ही कहा जा चुका है कि जल्द ही जाति गणना की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएगी। इसरो ने चंद्रमा की सतह की 3D इमेज की जारी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के द्वारा एक्स पर एक पोस्ट शेयर की गई है, जो कि प्रज्ञान रोवर की मदद से ली गई एक खास तकनीक के जरिए एक तस्वीर है। इस तस्वीर को जारी करते हुए इसरो के द्वारा यह जानकारी दी गई है कि एनाक्लिफ स्टीरियो या मल्टीव्यू छवियों से 3 आयामों में वस्तु या इलाके का एक सरल दृश्य है। प्रस्तुत एनाक्लिफ NAVCM स्टीरियो इमेज का उपयोग करके बनाया गया है, जिसमें प्रज्ञान रोवर पर ली गई बाईं और दाईं दोनों छवि शामिल है। इस 3 चैनल छवि में बाईं छवि लाल चैनल में स्थित है, जबकि दाहिनी छवि नीले और हरे चैनल में रखी गई है। इन दोनों छवियों के बीच परिप्रेक्ष्य में अंतर के परिणाम स्वरूप स्टीरियो प्रभाव होता है, जो 3 आयामों का दृश्य प्रभाव देता है। 3D में दिखने के लिए लाल और सियान चश्मे की अनुशंसा की जाती है। NAVCM को LEOS या ISRO द्वारा विकसित किया गया था। डाटा प्रोसेसिंग SAC इसरो द्वारा किया जाता है। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे कुमारी राधा के बारे में। कुमारी राधा का जन्म आज ही के दिन 1936 को जीवचपुर गांव सुपौल बिहार में हुआ था। वह 5 बच्चों वाले परिवार में दूसरी बेटी थी। उनके पिता डॉक्टर लक्ष्मी प्रसाद और उनकी मां इंदिरा देवी थी। उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा गांव से किया और उन्होंने 1966 में पटना विश्वविद्यालय से BA ऑनर्स किया। बाद में उन्होंने 1968 में मास्टर्स MA हिंदी पूरा किया। उन्होंने अपने छात्र जीवन से ही साहित्य, कला, सामाजिक और राजनीतिक कार्यों में रुचि लेना शुरू कर दिया। कुमारी राधा एक प्रसिद्ध हिंदी और मगही कवित्री थी। यह श्रम रोजगार विभाग से विभागीय पत्रिका श्रमिक के सहायक संपादन पद से सेवानिवृत्त हैं। इनकी प्रकाशित पुस्तकों में सरयू कछारू की हिरनी, गुलमोहर का प्रश्न, अधरतिया के बांसुरी और शकुंतला जैसे पुस्तक के नाम शामिल हैं। बिहार में मिट्टी की जांच के लिए बनेगी लैब। बिहार के खेतों की मिट्टी को सुधारा जा सके, इसके लिए बहुत जल्द ही राज्य के 13 जिलों में ग्राम स्तरीय लैब स्थापित किया जाएगा और साथ ही पहले से बने 8 नए लैब को सुदृढ़ बनाने का काम किया जाएगा। बता दें कि इस वर्ष मिट्टी जांच के लिए 9,71,00,000 रुपए खर्च कर 2,00,000 नमूने संग्रह रखने का लक्ष्य रखा गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मिट्टी के एक नमूने की जांच करने पर 300 रुपए खर्च किए जाएंगे। इस तरह अगर एक वर्ष में 2,00,000 मिट्टी जांच की जाती है तो उस पर 6,00,00,000 रुपए खर्च होंगे। मालूम हो कि इसका लक्ष्य फसलों की उत्पादकता बढ़ाने एवं संतुलित मात्रा में उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा दिया जाना है। बता दें कि ग्राम स्तरीय मिट्टी जांच लैब के
स्थापना के लिए 19,50,000 रुपए खर्च आएंगे। वहीं 8 प्रयोगशाला को सुदृढ़ करने में 3,20,00,000 रुपए खर्च आएंगे। मालूम हो कि जिन 13 जिलों में लैब बनाया जाने वाला है उसमें भभुआ, अरवल, नवादा, गोपालगंज, लखीसराय, जमुई, खगड़िया, मधुबनी, सुपौल, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर और बांका के नाम शामिल हैं। बीपीएससी 69वीं परीक्षा एडमिट कार्ड इस दिन होगा जारी। अगर आप भी बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से ली जाने वाली बीपीएससी 69वीं परीक्षा में भाग लेने वाले हैं तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि ऐसी संभावना जताई जा रही है कि इस परीक्षा को लेकर एडमिट कार्ड इस महीने के तीसरे सप्ताह में ही जारी किया जा सकता है। ऐसे में एडमिट कार्ड जारी होने के बाद इस परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बीपीएससी 69वीं भर्ती 2023 के लिए आवेदन की प्रक्रिया अगस्त में ही समाप्त हो गई थी। वहीं इससे पहले आयोग की ओर से बीपीएससी 69वीं सीसीई परीक्षा की तारीखों की घोषणा की गई थी, जिसके तहत यह परीक्षा 30 सितंबर 2023 को दोपहर 12 बजे से दोपहर 2 बजे तक आयोजित की जाएगी। बता दें कि यह परीक्षा एक ही पाली में आयोजित की जाने वाली है। बिहार में दही हांडी प्रतियोगिता के विजेता को 1,00,000 का इनाम मिलेगा। बीते दिन से ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं आज यानी कि 7 सितंबर को श्री दशहरा कमेटी ट्रस्ट की ओर से मिलर हाई स्कूल मैदान में आयोजित कार्यक्रम में दही हांडी प्रतियोगिता में बिहार के बाहर से 12 टीमें भाग लेने वाले हैं, जो कि कृष्ण लीला की प्रस्तुति करेंगे। इसके बाद आधी रात 12:15 बजे कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाएगा। श्री दशहरा कमेटी ट्रस्ट की ओर से सुबह 11:30 बजे दही हांडी की प्रतियोगिता शुरू होगी। वहीं इस प्रतियोगिता में पहले स्थान पर आने वाले टीम को 1,00,000 की नगद राशि से पुरस्कृत किया जाएगा। वहीं इसके बाद दूसरे स्थान पर आने वाले टीम को 50,000 रुपए और तीसरे स्थान पर आने वाले टीम को 25,000 रुपए नगद राशि से पुरस्कृत किए जाएंगे। इसके अलावा बाकी टीमों को 5,100 रुपए की प्राइज मनी दी जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसका उद्घाटन बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा किया जाएगा। मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना का ऐसे उठाए लाभ। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त विद्यालयों से 10वीं कक्षा में पहला स्थान लाने वाले सभी छात्र छात्राओं को और दूसरा स्थान लाने वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं को प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है, जिसके तहत 10वीं कक्षा में पहला स्थान लाने वाले छात्र छात्राओं को 10,000 रुपए तो वहीं दूसरा स्थान लाने वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं को 8,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। ऐसे में अगर आप भी इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आप वेबसाइट https://medhasoft.bih.nic.in/medha-mat-2023 पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आवेदन करने की अंतिम तारीख 15 सितंबर 2023 तक निर्धारित की गई है। बिहार के यात्रियों के लिए असम मुंबई जाना हुआ आसान। अब बिहार के यात्रियों के लिए मुंबई और असम जाना आसान हो गया है। बता दें कि पूर्व मध्य रेलवे के द्वारा लगभग 8 गाड़ियों को बरौनी स्टेशन पर रोकने का निर्णय लिया गया है और इसके साथ ही एक जोड़ी उन ट्रेनों को न्यू बरौनी स्टेशन पर रोकने का निर्णय लिया गया है जो मुंबई के बांद्रा टर्मिनल से जाते हैं। बता दें कि सभी 10 ट्रेनें न्यू बरौनी स्टेशन पर 5 से 10 मिनट तक रुकेंगी, जिनमें 1, 2, 4, 8, 7 जोगबनी आनंद विहार सीमांचल एक्सप्रेस, 1, 2, 4, 8, 8 आनंद विहार जोगबनी सीमांचल एक्सप्रेस, 2, 2, 4, 4, 9 गुवाहाटी नई दिल्ली एक्सप्रेस, 2, 2, 4, 5, 0 नई दिल्ली गुवाहाटी एक्सप्रेस, 1, 4, 0, 3, 7 सिलचर नई दिल्ली पीएस क्रांति एक्सप्रेस, 1, 4, 0, 3, 8 नई दिल्ली सिलचर पीएस क्रांति एक्सप्रेस, 1, 2, 5, 1, 9 लोकमान्य तिलक टर्मिनल्स कामाख्या एसी एक्सप्रेस, 1, 2, 5, 2, 0 कामाख्या लोकमान्य तिलक टर्मिनल्स एसी एक्सप्रेस, 2, 2, 9, 1, 3 बांद्रा टर्मिनल्स सहरसा हमसफर एक्सप्रेस और 2, 2, 9, 1, 4 सहरसा बांद्रा टर्मिनल्स हमसफर एक्सप्रेस शामिल है। बिहार पर्यटन में आज हम बात करेंगे केसरिया स्तूप के बारे में। सबसे बड़े बौद्ध स्तूप की खोज के बाद केसरिया सुर्खियां में आया। अब तक यह दुनिया का सबसे ऊंचा उत्खनन स्तूप होने का अनुमान है। यह पूर्वी चंपारण में पर्यटन की दृष्टि से प्रमुख स्थान रखता है। स्तूप बौद्ध काल के गौरवशाली अतीत का प्रतीक है। इसका एक बहुभुज आधार है और ऊपर से बहुभुज आकार की ईंटों से ढका हुआ है। पुरातत्व स्थलों के प्रेमियों के लिए यह निश्चित रूप से देखने लायक जगह है। भगवान बुद्ध जब महापरिनिर्वाण ग्रहण करने कुशीनगर जा रहे थे तो वह एक दिन के लिए केसरिया में ठहरे थे। जिस स्थान पर वह ठहरे थे उसी जगह पर कुछ समय बाद सम्राट अशोक ने स्मरण के रूप में स्तूप का निर्माण करवाया था। इसे विश्व का सबसे बड़ा स्तूप माना जाता है। वर्तमान में यह स्तूप 1400 फीट के क्षेत्र में फैला हुआ है और इसकी ऊंचाई 51 फीट है। अलेक्जेंडर कनिंघम के अनुसार मूल स्तूप 70 फीट ऊंचा था। यह बिहार के चंपारण जिले में केसरिया नामक स्थान पर स्थित है। शिक्षक भर्ती में 5वीं तक के अभ्यर्थियों के लिए बड़ा अपडेट जारी।
बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित की गई शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर प्राथमिक विद्यालयों के लिए शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए आयोग की ओर से एक बड़ा अपडेट जारी किया गया है, जिसके तहत कक्षा पहली से लेकर पांचवी तक की परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों को अपना डीएलएड प्रमाण पत्र अपलोड करने को कहा गया है। इस बारे में संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक सत्य प्रकाश शर्मा के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया है कि वैसे अभ्यर्थी जिनका डीएलएड प्रमाण पत्र अपलोड है वो दोबारा उसे अपलोड नहीं करेंगे। वहीं प्रमाण पत्र अपलोड करने के लिए वेबसाइट को 9 सितंबर से 11 सितंबर तक खोला जाएगा। ऐसे में अभ्यर्थी आयोग के वेबसाइट www.onlinebpsc.bihar.gov.in पर अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर डीएलएड संबंधी प्रमाण पत्र को अपलोड कर सकते हैं। इससे जुड़ी विस्तृत जानकारी आयोग की वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रावास अनुदान योजना के तहत मिलने वाले अनुदान। बिहार सरकार के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के द्वारा मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं जनजाति छात्रावास अनुदान योजना के तहत समाज के कमजोर वर्ग के छात्र छात्राओं को जो सरकारी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में पढ़ रहे हों उन्हें प्रतिमाह अनुदान दिया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य समाज के कमजोर वर्ग के छात्र छात्राओं को शिक्षा के प्रति जागरूक करना एवं उच्च शिक्षा दर में वृद्धि लाना है। बता दें कि इस योजना के तहत छात्र को प्रतिमाह 1,000 रुपए सरकार की ओर से दिए जाते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ पात्रता भी निर्धारित किए गए हैं, जिसके तहत छात्र या छात्रा बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए, अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग से हो और सरकारी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से नामांकित हो। इससे जुड़ी अधिक जानकारी एवं आवेदन करने के लिए जिला अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है। मिथिला के पुनौरा धाम में इन सुविधाओं का हो रहा विकास। बिहार में सीतामढ़ी जिला अंतर्गत पुनौरा धाम में देश विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं और पर्यटकों का आगमन होता है। इसी को लेकर यहां आने वाले पर्यटकों और श्रद्धालुओं की संख्या में और बढ़ोतरी हो, इसको लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निर्देशानुसार यहां कई गुणवत्तापूर्ण पर्यटकीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कई पर्यटकीय संरचनाओं का निर्माण कार्य किया जाने वाला है। इसके विकास के लिए 72,47,00,000 रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। बता दें कि इस योजना के अंतर्गत कॉलम युक्त कोलोनेड परिक्रमा पथ का निर्माण करवाया जाएगा। इसके अलावा सीतावाटिका, लवकुश वाटिका, जानकी महोत्सव क्षेत्र का विकास, सुंदर वास्तुशिल्प से सुसज्जित दीवारी, पार्किंग, मंडप, आंतरिक सड़कों का निर्माण, 3D एनिमेशन शो, डिस्प्ले कियोस्क, कैफेटेरिया, चिल्ड्रन प्ले एरिया, पाथवे का निर्माण, भित्ति चित्र कला, मूर्ति कला एवं अन्य कलात्मक कार्य, लैंडस्केपिंग, थीमेटिव गेट इत्यादि का निर्माण किया जाएगा। गले में स्वास्थ्य विभाग का आई कार्ड, बैग में शराब। बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है, इससे तो हम सभी वाकिफ है, लेकिन इसके बावजूद भी आए दिन हमें शराब तस्करी से जुड़े मामले सुनने को मिलते रहते हैं। हालांकि इन पर नकेल कसने के लिए उत्पाद विभाग की ओर से जीतोड़ कोशिश की जा रही, लेकिन इसके बावजूद भी मामलों में कुछ खास कमी देखने को नहीं मिल रही। उल्टा शराब तस्करों के द्वारा तस्करी के लिए आए दिन नए तरीकों का निजात किया जा रहा है। बता दें कि ताजा मामला बिहार के गोपालगंज के कुचायकोट थाना क्षेत्र के बथना कुटी गांव का है, जहां पुलिस के द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर एक मोटरसाइकिल युवक को, जिसने गले में स्वास्थ्य विभाग का आईडी कार्ड लगा रखा था, उसे पकड़ा गया है। बता दें कि पुलिस के द्वारा उसके बैग से 200 पीस देसी शराब के टेट्रा पैक बरामद किए गए हैं। वहीं उसके आई कार्ड में न कोई फोटो है और न ही कोई सिग्नेचर। मालूम हो कि युवक की पहचान प्रमोद राम के रूप में की गई है। फिलहाल उस युवक को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। दक्षिण पूर्व के जिलों में वज्रपात की संभावना। बिहार में इन दिनों मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। बदलते हालात के बीच में इन दिनों कई जिलों में तेज बारिश तो कई जिलों में तेज धूप से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा। मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार प्रदेश के कई जिलों में बारिश की संभावना जताई जा रही है। खासकर उत्तर बिहार के जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। विभाग ने 10 सितंबर तक प्रदेश में बारिश की संभावना जताई है। 7 सितंबर को लेकर जारी अपडेट में यह बताया गया है कि प्रदेश के दक्षिण भाग के जिलों में एक या दो स्थानों में वज्रपात के साथ मेघ गर्जन होने की पूरी संभावना है। साथ ही 8 अगस्त को लेकर जारी अपडेट में यह बताया गया है कि प्रदेश के उत्तर पूर्व के जिलों में एक या दो स्थानों में वज्रपात के साथ मेघ गर्जन होने की पूरी संभावना है। साथ ही यह भी बताया गया है कि कैमूर और रोहतास जिलों में एक या दो स्थानों में भारी बारिश होने की संभावना है। प्रिंसिपल ने रद्दी के भाव बेची बच्चों की किताबें, विभाग ने लिया एक्शन। बिहार के जहानाबाद प्रखंड क्षेत्र के जहांगीरपुर उत्क्रमित उच्च विद्यालय के प्रिंसिपल राम प्रसाद पर बच्चों के उन किताबों को बेचने का आरोप लगा है, जिन्हें सरकार के द्वारा बच्चों के बीच बांटने के लिए उपलब्ध करवाया जाता है। बता दें कि आरोप लगाया गया है कि प्रिंसिपल के आदेश पर शिक्षक गोपाल शरण प्रसाद के द्वारा इस किताबों को बेचा जा रहा था। दरअसल जब ग्रामीणों की नजर पुस्तकों पर पड़ी तो उन्होंने डायल 112 पर इसकी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस आई और जांच पड़ताल कर बिना कुछ किए वापस चली गई, जिसको देखते हुए ग्रामीणों के द्वारा जमकर हंगामा किया गया और इसकी शिकायत
डीएम से की गई, जिसके बाद डीएम के निर्देश पर शिक्षा विभाग के डीपीओ अनंत कुमार और बीईओ सर्वजीत विद्यालय पहुंचे और इससे जुड़ी पूरी जानकारी प्राप्त की। इसके साथ ही पुस्तकों की जाँच कर विद्यालयों के प्रिंसिपल से इसका स्पष्टीकरण मांगा गया। बिहार बोर्ड तैयार करेगा 9वीं और 11वीं के अर्धवार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र। अब बिहार में 9वीं और 11वीं के अर्धवार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्र भी बिहार बोर्ड की ओर से ही तैयार किए जाएंगे, बल्कि पहले यह प्रश्न पत्र माध्यमिक शिक्षक संघ के द्वारा तैयार किया जाता था। ऐसे में अब 9वीं से 12वीं तक की सारी परीक्षाएं बोर्ड के द्वारा ही ली जाएंगी और अक्टूबर में होने वाली त्रैमासिक परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र भी तैयार करेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 9वीं और 11वीं मिलाकर 30 लाख छात्र छात्राएं परीक्षा में शामिल होंगे। बता दें कि बोर्ड की ओर से ओएमआर भरने के साथ प्रश्न पत्र का भी चयन किया जाएगा। ऐसे में अब एक ही प्रश्न पत्र और एक शेड्यूल में पूरे राज्य के स्कूलों में परीक्षा होगी, जबकि पहले सभी स्कूलों के द्वारा अपने अनुसार परीक्षा का आयोजन किया जाता था। हालांकि बोर्ड के अनुसार स्कूल के द्वारा सितंबर में 9वीं से 12वीं तक के टर्म परीक्षा के लिए उत्तर पुस्तिका खुद स्कूल के द्वारा तैयार किया जाएगा। सिवान के दारोंदा के नितेश गूगल के टॉक शो में रखेंगे अपने विचार। 12 सितंबर को गूगल के गूगल न्यूज इनिशिएटिव के द्वारा ऑनलाइन आयोजित किए जा रहे गूगल समिट के टॉक सीरीज में बिहार के सिवान के दारोंदा के नितेश भारद्वाज को आमंत्रित किया गया है, जहां वे अपनी संस्था आदिवासी जना जागृति के माध्यम से किए जा रहे कामों को लेकर अपने विचार रखेंगे, जिसमें इसके माध्यम से वे सामाजिक कुरीतियों को कैसे दूर कर रहे हैं, कैसे हाइपर लोकल मीडिया के माध्यम से सामाजिक बदलाव ला रहे, कैसे इस बदलाव के लिए मोबाइल फोन को एक टूल के तौर पर प्रयोग कर रहे हैं आदि शामिल होगी। बता दें कि सीरीज की शुरुआत गूगल के द्वारा अप्रैल महीने से की गई है, जिसमें ऐसे लोगों को बुलाया जाता है जो सामाजिक बदलाव के लिए काम करते हैं। इस सीरीज में अब तक 5 अलग अलग संस्थाओं के प्रमुख को बुलाया जा चुका है। वहीं नितेश भारद्वाज इस सीरीज के आखिरी वक्ता हैं। जीबी शिखर सम्मेलन के रात्रि भोज में सीएम नीतीश को मिला निमंत्रण। 9 सितंबर को जीबी शिखर सम्मेलन में रात्रि भोज के लिए राष्ट्रपति की ओर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को निमंत्रण भेजा गया है। बता दें कि इस भोज में शामिल होने के लिए भारत की ओर से सभी केंद्रीय मंत्री और विभिन्न प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को भी आमंत्रित किया गया है। इसी क्रम में यह निमंत्रण सीएम नीतीश को भेजा गया, जिसमें उन्हें भोज में शामिल होने के लिए आग्रह किया गया है। हालांकि मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से या सीएम नीतीश के द्वारा इस भोज में शामिल होने को लेकर अब तक कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। ऐसे में अब यह संशय बना हुआ है कि सीएम नीतीश इस भोज में शामिल होंगे या नहीं। वहीं इंडिया गठबंधन की ओर से बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारा इस रात्रि भोज में शामिल होने का ऐलान कर दिया गया है। सुरेंद्र प्रसाद सिंह कुशवाहा ने थामा भाजपा का दामन। बीते दिन बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और अमरपुर से लगातार 15 वर्षों तक विधायक रहे सुरेंद्र प्रसाद सिंह ने बांका जिला के सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा का दामन थाम लिया है। बता दें कि सुरेंद्र प्रसाद सिंह ने पटना विद्यापति भवन में आयोजित समरसता समारोह कार्यक्रम में बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बीजेपी की सदस्यता ली। इस दौरान कार्यक्रम में पूर्व उप मुख्यमंत्री सह राज्यसभा सांसद सुशील मोदी, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, पूर्व मंत्री मंगल पांडे, राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा, पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा, विधायक संजीव चौरसिया, विधायक अनिल कुमार एवं भाजपा के प्रदेश पदाधिकारी शामिल रहे। भारत पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय श्रृंखला को लेकर राजीव शुक्ला का खुलासा। कुछ दिनों पहले बीसीसीआई के प्रेसिडेंट रोजर बिन्नी और वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड द्वारा पाकिस्तान में मैच देखने के लिए आमंत्रित किया गया था। वहीं अब वह भारत वापस लौट चुके हैं। ऐसे में भारत में दाखिल होने के बाद राजीव शुक्ला के द्वारा भारत पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय श्रृंखला को लेकर कुछ खुलासा किया गया है। उन्होंने कहा कि यह 2 दिवसीय दौरा था और अच्छा दौरा था। राज्यपाल ने हमारे सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लोगों का आतिथ्य भी अच्छा था। उनकी मांग थी कि दोनों देशों के बीच क्रिकेट मैच खेला जाए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ओर से मांग की गई कि दोनों देशों को फिर से मैच यानी द्विपक्षीय श्रृंखला की शुरुआत हो। हालांकि हमने कहा कि यह सरकार द्वारा तय किया जाएगा और हमारी सरकार जो भी कहेगी वही हम करेंगे। यह एक क्रिकेट दौरा था और कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं था। भारत के इतिहास में आज की तारीख है कई कारणों से दर्ज। बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1906 में हुई। भारतीय सीमा पर 1965 में चीन द्वारा सेना की तैनाती की घोषणा हुई। भारत अमेरिका परमाणु करार के तहत एनएसजी के 45 सदस्यों ने 2008 में भारत को अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से परमाणु व्यापार की छूट दी। सूखे को देखते हुए वित्त मंत्रालय ने 2009 में गैर योजना खर्च में 10% की कटौती के आदेश दिए। भारत के पंकज आडवाणी ने 2009 में विश्व पेशेवर बिलीडियर्स का खिताब जीता। 55वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2007 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब निर्देशक प्रियदर्शन की फिल्म कोजी वरम को 2009 में मिला।
दिल्ली में रात 11:28 बजे रिक्टर पैमाने पर 2011 में 4.2 तीव्रता का 6 सेकंड तक चलने वाला भूकंप आया, जिसका केंद्र हरियाणा के सोनीपत में स्थित था। बांग्ला भाषा के प्रसिद्ध लेखक और बंगाली पुनर्जागरण के चिंतकों में से एक राजनारायण बोस का जन्म 1826 में हुआ। संस्कृत के विद्वान और महान दार्शनिक गोपीनाथ कविराज का जन्म 1887 को हुआ था। भारतीय चिकित्सा वैज्ञानिक तथा परिवार नियोजन विशेषज्ञ बानो जहांगीर कोयाजी का जन्म 1917 को हुआ था। मलयालम फिल्म अभिनेता ममूटी का जन्म 1948 को हुआ था। प्रसिद्ध लेखक नाट्य निर्माता तथा निर्देशक अनिल चौधरी का जन्म 1950 को हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय श्रम सहकारिता महिलाओं और लघु वित्त आंदोलनों की सम्मानित नेता ईला रमेश भट्ट का जन्म 1933 को हुआ था। अशोक चक्र विजेता विमान परिचारिक निर्जा भनोट का जन्म 1963 को हुआ था। स्वतंत्रता सेनानी तथा गुजरात और मध्य प्रदेश के भूतपूर्व राज्यपाल के एम चांडी का निधन 1998 को हुआ था। त्रिपुरा गोवा और उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व राज्यपाल रोमेश भंडारी का निधन 2013 को हुआ था। पलघर में आज हम बात करेंगे G20 शिखर सम्मेलन के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी क्रम में आज हम बात करेंगे G20 शिखर सम्मेलन के बारे में। दरअसल PIB ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि CNN G20 शिखर सम्मेलन से पहले दिल्ली में अतिक्रमण हटाने को लेकर भ्रामक दावा किया गया है। PIB ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि अतिक्रमण हटाना सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में है। तुगलकाबाद में संरचनाओं का विध्वंस G20 से संबंधित नहीं है और आयोजन स्थल के पास नहीं है। व्हाट्सएप पर चला सकेंगे एक साथ कई अकाउंट्स। व्हाट्सएप मल्टी अकाउंट लॉगिन फीचर पर काम कर रहा है। इस फीचर के तहत आप एक से ज्यादा अकाउंट एक ही ऐप में खोल पाएंगे। एक से दूसरे अकाउंट में जाने के लिए आपको बस इसे स्विच करना होगा। इस तरह का फीचर मीटा ने इंस्टाग्राम में पहले से दिया हुआ है। मल्टी अकाउंट लॉगिन फीचर के आने से आपको फोन में पैरेलल स्पेस एप्स को रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस अपडेट की जानकारी व्हाट्सएप के डेवलपमेंट पर नजर बनाए रखने वाली वेबसाइट WA Beta Info ने शेयर की है। फिलहाल ये फीचर कुछ बीटा टेस्टर्स के लिए जारी किए गए हैं। आने वाले समय में कंपनी इसे सभी के लिए रोल आउट करेगी। अगर आप भी व्हाट्सएप के तमाम नए फीचर सबसे पहले पाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको कंपनी के बीटा प्रोग्राम के लिए एनरोल करना होगा। नए अकाउंट को जोड़ने के लिए आपको सेटिंग में जाकर QR कोड बटन के बगल में एरो आइकन पर टैप करना होगा। यहां से आप अकाउंट को ऐड कर पाएंगे। एक बार अकाउंट ऐड हो जाने पर यह आपके डिवाइस पर तब तक लॉगिन रहेगा जब तक आप इसे लॉग आउट नहीं करते। डॉलर के मुकाबले रुपया में 10 पैसे की हुई गिरावट। बीते दिन बुधवार को डॉलर के मुकाबले रुपए में कच्चे तेल की कीमत में तेजी और अमेरिकी डॉलर में मजबूती आने की वजह से 10 पैसे की गिरावट हुई है और यह अब तक के सबसे निचले स्तर 83.14 पर बंद हुआ है। इस पर फॉरेक्स ट्रेडर्स का कहना है कि रुपए में गिरावट ऐसे समय पर आई है जब डॉलर अपने 6 महीने के उच्चतम स्तर के करीब चल रहा है। इंटरबैंक फॉरेन एक्सचेंज के मुताबिक डॉलर के मुकाबले रुपया 83.08 पर ओपन हुआ था और इस दौरान इसने 83.02 के उच्चतम स्तर और 83.19 के न्यूनतम स्तर को छुआ। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 83.14 पर बंद हुआ और इसमें 10 पैसे की गिरावट आई। यह डॉलर के मुकाबले अब तक का सबसे कमजोर स्तर है। इससे पहले रुपया ने सबसे निचला स्तर 21 अगस्त को 83.13 को छुआ था। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उससे जुड़े जवाब बताएंगे जो कि BPSC, बिहार पुलिस, दरोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया, कृपया करके यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, हाल ही में किस अभिनेता को भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान और गवर्निंग काउंसिल का नया अध्यक्ष बनाया गया है? ऑप्शन ए रजनीकांत, ऑप्शन बी आर माधवन, ऑप्शन सी अमिताभ बच्चन, ऑप्शन डी अक्षय कुमार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी आर माधवन। अगला सवाल, हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य के लखनऊ में किसका निर्माण किया जाएगा? ऑप्शन ई रामायण पार्क, ऑप्शन बी महाभारत पार्क, ऑप्शन सी आधुनिक पार्क, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए रामायण पार्क। अगला सवाल, हाल ही में कहां की मुख्य नवाचार अधिकारी शांता थोटम को ब्रिक्स इनोवेशन फोरम ने वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया है? ऑप्शन ए दिसपुर, ऑप्शन बी पणजी, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी तेलंगाना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी तेलंगाना। अगला सवाल, बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देव बनारक का लेख तथा शाहपुर यानी पटना एवं मंदार यानी बांका से प्राप्त लेखों में किसकी जानकारी मिलती है?
ऑप्शन ए मौर्य युग के बारे में, ऑप्शन डी नंद वंश के बारे में, ऑप्शन सी गुप्त युग के बारे में, ऑप्शन डी परिवर्ती गुप्त वंश के बारे में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी परवर्ती गुप्त वंश के बारे में। अगला सवाल, पाल शासकों के बारे में जानकारी निम्न में से किससे मिलती है? ऑप्शन ए देवपाल के मुंगेर अभिलेख से, ऑप्शन बी नारायण पाल के भागलपुर ताम्रपत्रा अभिलेख से, ऑप्शन सी महिपाल प्रथम के नालंदा एवं मुजफ्फरपुर अभिलेख से, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी से। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है नवी मांझी, उमेश ऋषिदेव, कमलेश शर्मा, प्रमोद राम, रविशंकर, ए एस दिनेश, के राजकिशोर महतो, मंजू देवी, अनवर करीम खान, मोहम्मद सकीर हुसैन, हलेश्वर कुमार, तबरेज आलम, प्रहलाद कुमार, राजीव कुमार, पंकज कुमार दास, नरेश राम। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपका भारत में मन पसंदीदा पर्यटन स्थल कौन सा है? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना न भूले। धन्यवाद।